बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सवेरे कम्युनिटी क्लासेस गए। मेरे तमाम जुमा हजरत या टीचर्स फोरम के जोनल प्रेसिडेंट हजरत हैं जो कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। टीचर्स कम्युनिटी क्लासेस ख़त्म करने के बाद हम इस खुशी से यहाँ आए थे कि आज हमारे DPCs होने वाला है, क्योंकि टाइम बाउंड प्रमोशंस जो हैं ये टीचर के लिए एक बूस्ट होता है। 9 साल वो एक ही ग्रेड में काम करता है, उसके बाद बेचारे को अगर कुछ ग्रेड चेंज होता है, तो इसलिए हम आए थे कि आज हमारी फाइलों का यहाँ पर अजाला हुआ होगा। लेकिन बदकिस्मती, जब हम CO ऑफिस पहुँचे, यहाँ DC ऑफिस में पहुँचे, तो बदकिस्मती से हमने सुना कि जो OSD जिसका जो एक मेंबर है डायरेक्टोरेट की तरफ से, हमारी जो DPC होती है इसका जो चेयरमैन होता है वो CO साहब होता है। CO साहब ने अपना तमाम काम किया है, क्लर्कों ने बहुत जाफिशानी के साथ काम किया है। तकरीबन इस वक्त हमारे CO ऑफिस में 450 फाइलें पड़ी हुई हैं जो हर लिहाज से कंप्लीट हैं। CO साहब ने उस पर दस्तखत किया हुआ है, यानी कि चेयरमैन ने दस्तखत किया है, लेकिन एक मेंबर जो OSD है, जो डायरेक्टर ऑफिस से उसको तैनाती यहाँ पर की हुई है, उसने पता नहीं है किन वजहों पर डिपार्टमेंट को यरगमाल बनाया है, टीचरों को इज्जतें देता है, अपने मनमानी करता है। बहुत और से हमने इससे पहले भी डायरेक्टर जो साहब का डायरेक्टर थे उसको भी बता दिया था कि मेहरबानी करके ये जो OSD साहब है, अगर इनके अपने ज़ाती मामलात हैं तो इनको इस डिपार्टमेंट से चेंज किया जाए। हमारा जो इलाका है कुपवारा, हमने हमेशा एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। आज भी कम्युनिटी क्लासेस के हवाले से हम जाफिशानी के साथ काम करते हैं। टीचर्स फोरम पिछले हफ्ते आपने शायद वो खबर दे दी थी कि हमने महला महला जाकर इसका ढंडोरा पीटा था कि कम्युनिटी क्लास में मेरा टीचर जाइए। लेकिन क्या कम्युनिटी क्लासेस कामयाब रहेंगे अगर उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेंगी? क्या कम्युनिटी क्लासेस तैयार कामयाब रहेंगे अगर उसको आज टाइम बोर्ड प्रमोशंस के से महरूम रखा जाए? मेरी LG इंतज़ामिया से गुजारिश है, मेरी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश है, मेरी डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल से गुजारिश है कि जिस आदमी को आपने इस काम के लिए वहाँ से तैनात किया है, उसको शायद दूर है या उसके कुछ अपने मामला हैं, मेहरबानी करके उसने इस डिपार्टमेंट को अपना तरीके से यरगमाल बना रखा है, उसकी जो तैनाती है वो किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जाए, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल है। अलबत्ता हमारी दरख्वास्त ये है कि इस टाइम बाउंड के हवाले से पूरे पावर जो है वो CO को मुंतकिल किया जाए। CO साहब जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे टीचर किस तरह काम करता है, किस जगह फिनाइस से काम करता है, किस कैरेक्टर के साथ काम करता है, किसको क्या मामला थे, उन्होंने उसको देख लिया होता है। मामूली तरीके से किसी दूसरे एक ऐसे दूर वाले अफसर को वो हमारी फाइलों को उलझाता है। मेहरबानी करके इस तरह का जो टॉर्चर इस वक्त स्कूलों में किया जा रहा है, जो हमारे टीचरों के साथ किया जा रहा है, अगर यही कंटिन्यू रहा तो आज मेरे सिर्फ जोनल प्रेसिडेंट हजरात साथ थे, कल हम न हो ऐसा न हो कि यहाँ पर एक टीचरों का सैलाब आए और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इसी OSD को होगी। क्या ये हायर? हाँ, हमने रिटर्न, इससे पहले रिटर्न एप्लीकेशन जो हमारे साहब का मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब थे, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद यूनुस मलिक साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसको चेंज करेंगे। और पहले पूरे कश्मीर में एक OSD हुआ करता था, लेकिन उनकी काइशों की वजह से उन्होंने फिर इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था, अलग अलग आदमी उन्होंने रखे थे। बदकिस्मती की वजह से कुपवारा और बारामूला जो है वो गिलकार साहब के यहाँ आता है, और गिलकार साहब एक ऐसी शख्सियत है जो पता नहीं किन कामों में लगा रहता है, हमेशा कहता है बॉस उस खुद फाइल से, मैं इस फाइल के साथ पढ़ा था, मैं इस फाइल के साथ पढ़ा था। मेहरबानी करके उनको किसी और काम के साथ लगाया जाए, और हमारी जो तवालत है ये तवालत CO ऑफिस तक ही महदूद रखा जाए, हमारे CO साहब तक ही महदूद रखा जाए, ताकि हमारे जो टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं या इस हवाले से जितने भी काम हो वो आसानी से हो जाए।